नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खूंखार आतंकी संगठन आईएस के ठिकानों पर चौतरफा हवाई हमले। सीरिया में खतरनाक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाकर उस पर चौतरफा हवाई हमले जारी है। रूसी सेना के एक अधिकारी ने बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने आईएस के खिलाफ अलेप्पो और इदलिब प्रांत में 12 क्रूज मिसाइल दागी। उन्होंने बताया कि हमले आईएस के नियंत्रण तेल क्षेत्रों पर भी किए गए। अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने भी आईएस के सीरिया और इराक स्थित ठिकानों को निशाना बनाकर 27 हवाई हमले किए, जिनमें से आईएस के 6 रणनीति ठिकाने, वाहन और हथियार भंडार तबाह हो गए। शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। स्टार टीवी के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि सीबीआई ने गुरुवार को ही मुंबई की विशेष अदालत में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और कार चालक श्यामराव राय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र 1000 पृष्ठों का है और इसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष 150 गवाहों द्वारा दिए गए बयान दर्ज है। प्रधानमंत्री मोदी की गोल्ड डिपॉजिट स्कीम फेल, केवल 400 ग्राम सोना जमा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे तामझाम के साथ इस महीने की शुरुआत में प्रारंभ की गई गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में लोगों ने 15 दिन के भीतर कोई रुचि नहीं दिखाई है और इस दौरान केवल 400 ग्राम सोना ही जमा है। इस योजना का मकसद देश के घरों में एवं मंदिरों में बिना उपयोग के पड़े करीब 52 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 20,000 टन सोने को बाजार में लाना है। सरकार ने अशोक चक्र की छाप वाले कुल 38,750 सोने के सिक्के बेचने की योजना का ऐलान किया था, लेकिन इसमें अभी तक केवल 6,200 सिक्के ही बिक पाए हैं।